हेलो फ्रेंड फ्रेंड हम लोग DDA के जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम के अंग्रेजी पेपर का एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस काफ़ी एक्सक्लूसिव तरीके से कर रहे हैं। फ्रेंड इसके पहले हमने 29 प्रॉब्लम्स का एनालिसिस किया हुआ था। आशा करते हैं हर तरह के एनालिसिस को आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। वेल फ्रेंड हम लोग आज के इस सेशन में 30वां क्वेश्चन से लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम देख पा रहे हैं वो क्या है? अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स एक्सेसिवली। ये मेनी वर्ड्स है, इसको आपको वन वर्ड देना है, ठीक है। इसका वन वर्ड क्या होगा सबसे पहले इसको समझेंगे। अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स एक्सेसिवली। अब कोई भी व्यक्ति जो बहुत खाता पीता है, आवश्यकता से ज़्यादा खाता पीता है, ऑब्वियसली इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पेठू बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ग्लटन कहते हैं। प्रोनंसिएशन है ग्लटन, ठीक है। हम लोग हालांकि अन्य ऑप्शंस को भी जान ले, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। मैस्ट्रो हम लोग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक में माहिर होता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, उसी को हम लोग मैस्ट्रो कहते हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, वो शहनाई में काफ़ी अच्छे थे, माहिर थे, इसलिए वो शहनाई मैस्ट्रो वो कहलाएंगे, ठीक है। फिर आप जाकिर हुसैन को देख सकते हो, वो तबला प्लेयर है, बहुत बड़ा वो तबला मैस्ट्रो वो कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखेंगे कोनोसर। प्रोनंसिएशन है कोनोसर, इससे रिलेटेड अब फ्रेंड आपको स्पेलिंग एरर भी मिल सकता है। आप ज़रूर इसको नोटिस कर ले कि किस तरह का इसका स्पेलिंग जा रहा है, ठीक है। कोनोसर फ्रेंड ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी खास तरह के टेस्ट में, किसी भी खास तरह के चीज़ में वह इंटरेस्ट दिखाता है। जैसे कि वो आर्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा, वो फूड में इंटरेस्ट दिखाएगा, वो लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कोनोसर, ठीक है। जो खाने का शौकीन हो, जो कला का शौकीन हो और जो साहित्य का शौकीन हो, उसे ही हम लोग कोनोसर कहते हैं। लेकिन ये शौकीन होता है, ज़्यादा खाने वाला नहीं होता है। इस कारण से इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो कोनोसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है? टीटो टेलर। इससे भी रिलेटेड फ्रेंड स्पेलिंग एरर आता है एग्जाम में। यहाँ पर टीटो टेलर है तो यहाँ ए के जगह पर ई दे करके एग्जाम में स्पेलिंग एरर देता है, ओके। आप नोटिस कर ले कि टेलर में TALLER है, ना कि TELLER है, ओके। टीटो टेलर फ्रेंड ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पूरी तरह से शराब को छोड़ रखा है, वो शराब को छूता तक नहीं है। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अ टोटल एब्स्टेनर, ठीक है, अ टोटल एब्स्टेनर। एब्स्टेनर ही अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल को छूता तक नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टीटो टेलर, ओके। अ पर्सन हु एब्स्टेन्स फ्रॉम अल्कोहल, ओके, और अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड अ टीटो टेलर, ओके। इस तरह से आपने चारों ही वर्ड्स का अच्छी तरह से एनालिसिस किए, समझ गए होंगे आशा करते हैं। इसके बाद फ्रेंड 31st का जो प्रॉब्लम है वह है क्या? आपको एक अप्रोप्रिएट फ्रेज को फिल करना है इस ब्लैंक में, ठीक है। यहाँ पर कॉमा आ रहा है, इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग देना है, ठीक है, क्वेश्चन टैग देना है। इसके पहले भी हम लोगों को एक क्वेश्चन टैग मिला था, ओके। इसके पहले वाले भी वीडियो सेशन को ज़रूर देख ले, सुन ले, समझ ले, ओके। फ्रेंड क्वेश्चन टैग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको ऑक्सिलरी देखना है, कहाँ है ऑक्सिलरी। यहाँ पर दिख रहे हैं आप, वॉज आया हुआ है और वॉज के साथ नेगेटिव टर्म आया हुआ है नॉट। तो मैंने कहा था कि जिस सेंटेंस में नॉट आया हुआ है और या नो आया हुआ है, तो उसका हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देंगे, ठीक है। और ये चूँकि नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये शी है और ये वॉजेंट है, तो क्या करेंगे, ये वॉजेंट है, ये इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, वॉज हो जाएगा, और ये जो शी है, जो सब्जेक्ट है, वो जस्ट इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तब देख रहे हैं कि आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा।
ऑब्वियसली जो सेकंड में दिख रहा है, ये सब नहीं होगा, ये प्रेजेंट में आ गया। और जैसा यहाँ पर ऑक्सिलरी रहेगा वैसा ही ऑक्सिलरी का यूज़ आपके क्वेश्चन टैग में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये वॉज है तो यहाँ पर वर का यूज़ कर दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। ओके फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द यंग डैश वेंट टू इंस्पेक्ट द डैश लैंड इन हिज एस्टेट। एस्टेट मतलब होता है जमीन जायदाद, ठीक है। इंस्पेक्ट मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना। ओके द यंग बैरन, यहाँ पर फ्रेंड दो तरह के वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है आपका बैरन और एक आ रहा है बैरन। फ्रेंड ये दोनों ही वर्ड्स होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स किसको कहते हैं? ऐसे दो वर्ड्स जो स्पेलिंग्स में भले ही डिफरेंट हो किंतु प्रोनंसिएशन सेम हो, कंप्लीटली सेम हो या लगभग सेम हो, तो ऐसे दो वर्ड्स को हम लोग कहेंगे होमोफोन्स। ओके इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही एक प्रॉब्लम लिया हुआ था जिसमें हम लोग को याद होगा वर्ड एक्सक्यूज मी बार्ड, बार्ड बी ए आर डी और बी ए आर आर ई डी को लिया हुआ था, ठीक है। बार्ड का मतलब कवि होता है और इस बार्ड का मतलब होता है रिफ्रेन या रिस्ट्रिक्ट या प्रिवेंट, रोकना के लिए यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पर जानेंगे बैरन का मतलब क्या होता है। बैरन फ्रेंड एक एरिस्टोक्रेटिक पर्सन होता है, ठीक है, एक रईस व्यक्ति होता है और वो किसी विशेष तरह के रैंक में रहता है, ठीक है। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश में एक लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो धनी है और जमींदार टाइप का होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं बैरन। ओके और ये जो बैरन है, इस बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, नॉट फर्टाइल, ठीक है, नॉट फर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं हो, जो उपजाऊ नहीं हो, उसी को हम लोग कहेंगे बैरन। अब फ्रेंड आपको अप्रोप्रिएटनेस के लिहाज से यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक्स को। द यंग बैरन, ऑब्वियसली क्या कह रहा है, बैरन यहाँ पर आएगा, है ना, आदमी के लिए आना चाहिए, तो इसके कारण से ये वाला खत्म हो गया। अब वेंट टू इंस्पेक्ट द बैरन लैंड, ये आदमी के लिए तो ये बैरन नहीं आ सकता है, यहाँ दोनों ही जगहों पे बैरन का यूज कर दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। अब द यंग बैरन, ये तो जमीन के लिए यूज होने वाला टर्म है बैरन, अनुपजाऊ, तो अनुपजाऊ यंग ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। लास्ट बच रहा है हम लोगों का बैरन, ऑब्वियसली यही होगा सेंस। ओके जो छोटा या यंग जो जो लैंडलॉर्ड है वह गया इंस्पेक्ट करने के लिए, कहाँ गया, अपने अनुपजाऊ जमीन, अपनी जायदाद के अनुपजाऊ जमीन को इंस्पेक्ट करने के लिए ये यंग बैरन गया, ठीक है, इसका यह मीनिंग हो गया। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह क्या है, आपको दो ब्लैंक्स दिख रहे हैं और दोनों ब्लैंक्स को अप्रोप्रिएट आर्टिकल से भरने हैं, ठीक है। वी हैव डैश द हाउस ऑफ आवर ओन नियर डैश द डैश मार्केट प्लेस। फ्रेंड आप हिंदी में कहते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ, तब आप क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू अ मार्केट या आई एम गोइंग टू द मार्केट, ऑब्वियसली द लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग तब लगाते हैं जब बहुत सारे मार्केट्स या कोई स्पेसिफिक मार्केट के बारे में नहीं हम लोग बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर हम लोग अ का यूज़ करते हैं, मतलब डे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाउस की बात हो रही है तो हम लोग घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं एक आदमी के कई सारे हाउसेज हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है होम और हाउस में डिफरेंस है, ठीक है। होम कहते हैं फ्रेंड ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पर माँ पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी रहते हैं, उसे हम लोग होम कहते हैं, इसे हम लोग पैतृक घर भी कह सकते हैं, है ना, या पैतृक घर से दूर जहाँ पर माँ पापा भाई बहन मिल करके रहते हैं, काफ़ी खुशी पूर्वक रहते हैं और वो जो घर होता है उसके साथ आपकी इमोशन जुड़ी हुई रहती है, उस घर के कोई भी पार्ट्स अगर टूट जाते हैं या मरम्मत किए जाने की ज़रूरत होती है उसको, तो हम लोग जल्द ही उसे मरम्मत कराते हैं क्योंकि उससे हमारी इमोशन जुड़ी हुई रहती है, तब ऐसे घर को हम लोग कहते हैं होम। इसको उर्दू में यदि बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे आशियाना, ठीक है। हर व्यक्ति का सपना होता है आशियाना की तलाश करना, आशियाना बनाना, ठीक है। और हाउस जो होता है ये ऐसा घर होता है, एक आदमी के घर होम एक ही हो सकता है लेकिन हाउसेस बहुत सारे हो सकते हैं,
और इसका जो मेन मकसद होता है वह कॉमर्शियल पर्पस होता है, ठीक है, इससे रेंट उठाए या आप बस यूं ही एक रखे रहें शो के लिए, तब उसे हम लोग हाउस कहेंगे। लेकिन होम किसी भी व्यक्ति विशेष का एक ही हो सकता है। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली हाउस की बात कह रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अ का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक घर है, हम लोगों का अपना एक घर है जो कहाँ है, मार्केट प्लेस के नज़दीक है, ठीक है, नियर द मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ब्लैंक पर आधारित, देर इज सर्टेनली नो हार्म डैश ट्राई। ओके, एक जरा सा भी क्षति नहीं है कोशिश करने में, ठीक है, कोशिश करने में। हिंदी में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट प्रेपोजिशनल यूज़ यहाँ पर करेंगे वो ऑब्वियसली सेकेंड वाला होगा, इन होगा। ओके, और दूसरे के बारे में सोचना बेकार है, ठीक है। 35th को हम लोग देखेंगे, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, डिसीव्ड एनीबडी, ही क्लेम्ड, वह क्लेम किया कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है और न ही किसी को धोखा दिया है, ठीक है, नहीं किसी को धोखा दिया। नेवर आ रहा है फ्रेंड, नेवर के साथ हम लोग कौन सा टर्म लगाएंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये नीदर रहता तब इसके साथ नॉर लगाते हैं, इधर रहता तब हम लोग और लगाते हैं, लेकिन नेवर के साथ ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है जो आप लगाएंगे, ठीक है। अगर आप सो लगाते हैं तो सोए का क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन अपने साथ एक सब्जेक्ट लेगा और एक फाइनल वर्ब लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप सो लगा देते हैं तो सब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है, इसलिए ये पहला गलत हो गया। नॉर हम लोग अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि नॉर तभी लगाएंगे यदि नेवर के जगह पर नीदर रखा जाता है तो, लेकिन ये नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। और सच भी एक क्या है, ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाते हैं, लेकिन सच के बाद देखिएगा वर्ब आ जा रहा है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। ओके, तो बचा है ऑब्वियसली और ही होगा, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई और डिसीव्ड एनीबडी, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही किसी को धोखा दिया है, उसने ऐसा कहा, ठीक है। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है स्पेलिंग पर आधारित, ठीक है, आपको खोजना क्या है, प्लीज़ आप एग्ज़ाम में क्या करिए, आप इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िए, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप इंस्ट्रक्शन को बिना पढ़े क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा और मैंने अपने तरीके से क्वेश्चन को हल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को वाले सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है, इनकरेक्टली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड देखना है, देखिएगा रेवोल्यूशन का है, स्पेलिंग गलत यहाँ पर दिया हुआ, आर ई वी ओ एल यू टी आई ओ एन होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर एक गलत वर्ड का यूज़ हुआ है। इसके बाद फिर देखिएगा सोवेरेंटी में भी गलत स्पेलिंग का यूज़ किया गया है ना, एस ओ वी ई आर ई आई जी एन टी वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है। आप प्रोनंसिएशन पर फोकस जरूर करें, सोवेरेंटी इसका प्रोनंसिएशन होता है, सोवेरेनिटी करके कोई प्रॉब्लम कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है जो स्पेलिंग में एरर शो कर रहा हो। तो पहला में देख रहे हैं कि दो स्पेलिंग एरर्स है, दूसरा में देखिए रेवोल्यूशन सही है ऑब्वियसली, ट्रांसफ़र भी सही है, सोवेरेनिटी यहाँ दिया गया है, प्रोनंसिएशन बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रोनंसिएशन इस तरह से ही करते हैं जो आप गलत है, ठीक है। एक यहाँ गलती हो गया, उसके बाद और कहीं गलती नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं एक गलती यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और फिर फोर्थ वाला देखते हैं, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फिर यहाँ देखिएगा रिवोल्यूशन डाल दिया गया है जो कि गलत हो गया। इसके बाद सोवेरेंटी सही है, ओके, सोवेरेंटी का यहाँ पर स्पेलिंग सही दिया है, लेकिन यहाँ पर मोनार्की का स्पेलिंग देखिए क्या दे दिया है, मोनार्की दे दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, है ना। इस तरह से ये तीन तो ऑप्शंस यहाँ पर छट गए, ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही बचा हुआ है वो थर्ड होगा। यहाँ देख लीजिए, एक बार जाँच कर लीजिए, रिवोल्यूशन है, ट्रांसफ़र भी सही है, सोवेरेंटी भी सही है, मोनार्की भी सही है। इस तरह से आप 36 में देख पा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन सही है, ओके। इसके बाद फ्रेंड आप प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वह ब्लैंक्स पर बेस्ड है, इसमें दो ब्लैंक्स है, दो ब्लैंक्स में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिल करना है।
फ्रेंड, सबसे पहले आपको जान लेना है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं, अलग अलग वर्ड्स जो दिए गए हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग इस सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। एक वर्ड आ रहा है बाउल, ये भी क्या है ना कि होमोफोन्स ही है, एक बाउल है और दूसरा बॉल है ना। बाउल कहने का मतलब होता है क्राई, चिल्लाहट, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बाउल, ओके। और ये बॉल का मतलब ऑब्वियसली गेंद होता है, ठीक है। अब इन दोनों के मीनिंग को ध्यान में रख करके आपको मीनिंग निकालना है। द चाइल्ड लेट आउट अ टेरिफाइंग बाउल, बच्चे ने क्या निकाला, बहुत ही जोर से, टेरिफाइंग मतलब क्या, थोड़ा डरा देने वाला चीख निकाला, ऑब्वियसली चीख निकाला, बॉल निकाला थोड़ी है ना, बॉल तो, इसलिए बॉल तो यहाँ पर शुरू में होगा नहीं, यहाँ पर भी ये गलत हो गया, तो दो ही ऑप्शन हम लोगों के पास बचा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली चीख निकाला, इसमें भी चीख है, इसमें भी चीख है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर से व्हेन हिज डैश वॉज स्नैच्ड अवे, जब उसकी चिल्लाहट को छीन लिया गया, चिल्लाहट थोड़ी छीन लिया जाएगा, ऑब्वियसली बॉल को छीन लिया जाएगा, इस कारण से बच्चा बहुत ही जोर से चिल्लाया, ओके। तब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो एग्जैक्ट और सही ऑप्शन है वह है फोर्थ वाला। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वह भी ब्लैंक पर ही बेस्ड है, इसमें आपको खोजना है एप्रोप्रिएट वर्ड। आप आई यहाँ देख पा रहे हैं, आई के साथ ऑब्वियसली एस नहीं लगा सकते हैं, पहला गलत हो गया। और डाउट का कभी भी आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये दो तो ऐसे ही छट गया बिना आगे पढ़े हुए, ठीक है। इसके बाद फिर आई हैव अ डाउट, अगर कोई आर्टिकल वगैरह लगाते तब फिर बात थी, इसके बारे में सोच सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल मिस्टेक है, आई हैव अ डाउट अगर रहता तब इसके बारे में सोच सकते थे। ऑब्वियसली डाउट का यूज़ यहाँ पर वर्ब के रूप में हुआ है और वो सही है, मुझे संदेह है कि वह हेल्प कर सकता है एक सूटेबल एकोमोडेशन को फाइंड करने के लिए। सूटेबल मतलब सही रहने का ठिकाना को ढूंढने में, को पता लगाने में मेरी मदद कर सकता है वह, इससे और मैं इसके लिए डाउट करता हूँ, ठीक है, मुझे संदेह है। तो फ्रेंड ये हो गया 38th का सोल्यूशन। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर आधारित। आपको खोजना है ऐसा वर्ड जिसका स्पेलिंग गलत है। अकोमोडेट में आप देख पा रहे हैं सही है, डबल सी होना चाहिए, डबल एम होना चाहिए। आप ऐसे ही लर्न करिएगा कि अकोमोडेट में जो स्पेलिंग होता है उसमें डबल आता है। उसी तरह से कुछ अन्य वर्ड्स भी होता है, जैसे एक गधा, फिर दो गधा, फिर मैं, इसके बाद नेशन, ठीक है। इस पर भी एरर बहुत आता है, ठीक है। कुछ स्पेलिंग को आपको ऐसे ही लर्न करने की आवश्यकता है, ठीक है। एसैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के मर्डर को हम लोग कहते हैं एसैसिनेशन। जैसे इंदिरा गांधी का एसैसिनेशन हुआ, महात्मा गांधी का एसैसिनेशन हुआ, ठीक है, मर्डर हुआ। साधारण आदमी का जो हत्या होता है वो मर्डर ही कहलाता है, लेकिन VIP के मर्डर को कहते हैं हम लोग एसैसिनेशन। और इसके स्पेलिंग को आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। एसैसिनेशन में दो गधे होते हैं, ठीक है, दो एस होता है, आपको ऐसे याद रखना है। और बाकी इनेशन तो आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इस तरह के वर्ड्स को लर्न करना है जिसमें डबल आते हैं, ठीक है। अकोमोडेट में डबल सी आएगा, डबल एम आएगा, अकोमोडेट में डबल लेटर्स आएगा, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग दूसरा वर्ड को देख पा रहे हैं, वो क्या है, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन को बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं, उसका अंग्रेजी बोल देते हैं क्या, प्रनाउंसिएशन बोल देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड यह गलत है, इसका ऑब्वियसली वर्ब फॉर्म प्रनाउंस ही होता है, ठीक है, प्रनाउंस ही होता है, लेकिन इसका नाउन फॉर्म में प्रनाउंसिएशन इसको ले करके हम लोग नहीं चलते हैं। इस पर जो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि OU यहाँ पर ना रह करके यू सिर्फ रह जाता है, ठीक है, प्रनाउंसिएशन हो जाता है, प्रनाउंसिएशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। प्रनाउंसिएशन करके आपको स्पेलिंग एरर एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग कंसेंसस को देखते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है, और ये स्पेलिंग में सही है, क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेट का मतलब होता है ठौर, ठिकाना,
देना ढूंढना, ठीक है। और प्रोनंसिएशन उच्चारण हो गया, कंसेंसस एग्रीमेंट हो गया, प्रीडिकमेंट मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल की स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रीडिकमेंट, ओके। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है, होना क्या चाहिए पी आर ई होना चाहिए, इसके बाद फिर बाकी सही, प्रीडिकमेंट, ठीक है। मुश्किल वाले स्थिति को हम लोग प्रीडिकमेंट कहते हैं। आई एम टोटली इन प्रीडिकमेंट वेदर टू गो और नॉट, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, या मैं बड़ी मुश्किल वाली स्थिति में हूँ, ठीक है। तब यहाँ पर आप देख पा रहे 39th का जो आपका सोल्यूशन है वह फोर्थ में है, ओके। हम लोग 40th को देखेंगे। 40th क्या कह रहा है, वाई डैश अ कोट दिस मॉर्निंग, आई नेवर डैश वन टिल अक्टूबर। यहाँ पर देख पा रहे हैं वाई डैश, वाई के बाद अगर हम लोग फर्स्ट वाला को लेकर के, फर्स्ट वाला तो चूंकि सही ऑप्शन है, हम लोग अब फर्स्ट सेकेंड वाले को लेकर के चलते हैं, वाई वेयर अ कोट दिस मॉर्निंग। वाई के बाद हम लोग यहाँ सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, सीधा सीधी वर्ब का यूज कर दिया जा रहा है, इस कारण से ये गलत हो गया। यहाँ पर वाई हैव यू वॉर्न, इसके बाद ये जो आ रहा है आई एम वेयरिंग, आई नेवर आई एम वेयरिंग वन टिल अक्टूबर, मैं अक्टूबर तक, जब तक अक्टूबर नहीं आता है तब तक मैं कभी भी नहीं पहनता हूँ, ठीक है, कभी नहीं पहनता हूँ। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए, ये कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। ये हो गया डिड यू वेयर, क्यों कोट को इस मॉर्निंग में पहने थे, आई नेवर वेयरिंग, देखिएगा वेयरिंग जो आया हुआ है वो बिना ऑक्सिलरी का आया हुआ है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑब्वियसली बचा क्या, फर्स्ट वाला ही बचा, तुम ये कोट को इस मॉर्निंग में क्यों पहने हुए हो, ठीक है। वाई आर यू वेयरिंग दिस वेयरिंग अ कोट दिस मॉर्निंग, आई नेवर वेयर वन टिल अक्टूबर, ओके। तुम कोट को इस सुबह, आज की सुबह क्यों पहने हुए हो, मैं तो कोट को जब तक कि अक्टूबर नहीं आ जाता तब तक मैं पहनता ही नहीं हूँ। फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है दिए गए मेनी वर्ड्स के लिए, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल, ठीक है, लोगों का कि ऐसी भीड़ जिसका मकसद होता है, जिसका उद्देश्य होता है बखेड़ा खड़ा करने का, ठीक है। तो ऐसे मॉब, ऐसे क्राउड को क्या कहेंगे, ऑब्वियसली मॉब कहेंगे, है ना, जिसका बखेड़ा खड़ा करना रहता है उसको ही हम लोग मॉब कहते हैं, ओके। और फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक एक ग्रुप को कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों के समूह को हम लोग फ्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है, भेड़ों के समूह के लिए। और मास हम लोग ढेर के लिए यूज़ करते हैं, मास लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हिंसक नहीं होता है, मास ऑफ पीपल, लेकिन वो हिंसक नहीं होते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता है बखेड़ा करा खड़ा करने का, ठीक है, इसलिए मास भी नहीं होगा। ग्रुप तो साधारण तरह का कोई भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ शिप, ठीक है। तो ये तो एक न्यूट्रल वर्ड है, या किसी भी समूह वाचक के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड ये सेकंड ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग 42nd प्रॉब्लम में देख पा रहे हैं क्या, कि आपको खोज करना है क्या, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। ये हम लोग जो देख पा रहे हैं यह इनडायरेक्ट स्पीच में है। फ्रेंड हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन को देखेंगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाए। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में आप यदि बनाते हैं सेंटेंसेस को, तब याद रखिएगा वर्ब के टेंस को, ठीक है। आई आस्क्ड है तो ऑब्वियसली आई सेड, और ऑब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड आपको कहना है, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास देना है, जो यहाँ यहाँ से यहाँ तक आप हर एक ऑप्शन में सेम देख पा रहे हैं, ठीक है, हर एक में सेम देख पा रहे हैं, लेकिन इधर वाला में चेंजेस आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, ही हैड गॉट द जॉब, इफ लगा हुआ है, इसीलिए क्या है ना, ऑक्सिलरी सबसे पहले लगाएंगे, तो ऑक्सिलरी के रूप में क्या आएगा, या तो हैव लगाइए, देखिएगा हैव, और ये ही किसके लिए आएगा, माई फ्रेंड के लिए आया है, तो ऑब्वियसली यू लगाएंगे, हैव यू गॉट द जॉब क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब इसका पैसिव वॉइस, सॉरी, इसका इनडायरेक्ट नरेशन आप कैसे करेंगे, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही हैड गॉट द जॉब,
इफ़ ही हैड गॉट जॉब, गॉट द जॉब, ऑब्वियसली ये सही हो गया, लेकिन क्या ये ऑप्शन है कहीं? हैव यू गॉट द जॉब करके, हैव यू गॉट द जॉब करके, यू यू, यही दो ऑप्शंस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो को तो हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि हैव यू गॉट द जॉब तो इसमें नहीं है, थर्ड वाला में नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। लेकिन फ्रेंड अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ तो हैव यू गॉट द जॉब तो नहीं है, तो फ्रेंड आप नरेशन में पढ़े होंगे कि यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। आप इसे इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बोला, डिड यू गेट द जॉब, क्या तुमको नौकरी मिली थी, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट में है, यहाँ पर आप डिड देख रहे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर मास्टर सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फोर्थ ही ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, ओके। फ्रेंड जो अगला प्रॉब्लम है वह है सेंटेंस अरेंजमेंट पर आधारित है। फ्रेंड सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो सेशन में बताया था कि आप जोड़े खोजिए, कॉमन जोड़ा खोजिए। फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या देख रहे हैं, बीए है, तो क्या कहीं और भी बीए नज़र आ रहा है, कहीं नहीं नज़र आ रहा है। क्या एडी नज़र आ रहा है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में एडी है, ए के बाद डी आ रहा है, और सेकंड ऑप्शन में भी एडी कॉमन रूप से यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पर क्या है कि 50-50 का चांसेस बन रहा है। क्या डी बी है, कहीं कहीं पर भी नहीं है, बी सी कहीं है, कहीं पर भी बी सी नहीं है। तीसरा ऑप्शन में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सी डी कहीं है और भी ऑप्शन में नहीं है, डी ए है तो देखिएगा थर्ड ऑप्शन में है, और फोर्थ ऑप्शन में डी ए कॉमन रूप से आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोगों को क्या करना है कि जो कॉमन तरीके से आया हुआ है, ए के बाद डी, डी या डी के बाद ये, यहाँ पर देखिएगा डी के बाद ये आया हुआ है, यहाँ पर ए के बाद डी आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर के कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि ए के बाद डी आएगा, तब क्या होगा, इन दो ये दो ऑप्शन हमारे छट जाएंगे। यदि हम लोग इस चीज़ को लेकर के कन्फर्म्ड होते हैं कि डी के बाद ए आएगा, तो फिर ऊपर वाले दो ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो चारों ऑप्शंस है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, सब में क्या है ना कि चांसेस बन रहा है। और जो नेक्स्ट जो चीज़ है, नोटिसिएबल जो चीज़ है कि एस वन के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहा है ए भी हो सकता है, एस वन के बाद मतलब फर्स्ट सेंटेंस के बाद बी भी हो सकता है, एस वन के बाद सी भी हो सकता है, जिस तरह के यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसी स्थिति में और कोई चारा नहीं है आपके पास, आपको सेंटेंसेस को लॉजिकली लिंक्ड करना पड़ेगा पढ़ करके, ठीक है। तो चले फ्रेंड हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। टेक्निक फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, टेक्निक आपको 90-95% केसेस में वो फॉलो होता है, लेकिन 5-10% जो केसेस है उसमें आपको काफ़ी मशक्कत करके आपको चलना पड़ेगा, आपकी आपको कॉम्प्रिहेंसन का भी अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। फ्रेंड जो एस वन है वो क्या कह रहा है, द टू बॉयज वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द वैली, दो लड़के वह जो घाटी है घाटी को क्रॉस धीरे धीरे करके किए, ठीक है। देन सडनली, तभी अचानक क्या होता है, फ्रेड रुका, ठीक है, और बैठ जाता है एक बड़े से चट्टान पर, बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है, ओके। बड़े से पत्थर पर बैठ जाने के बाद क्या होता है, आप जस्ट क्वेश्चन करिए क्यों बैठ जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिएगा कि क्या ए हो सकता है, जॉर्ज लुक्ड एट हिम फॉर ए मिनट, ओ कम ऑन फ्रेड ही सेड, ये बैठ जाता है तो ऑब्वियसली जो उसका दूसरा जो दोस्त है, जो दूसरा लड़का है जिसका नाम जॉर्ज है, वो ऑब्वियसली क्या है उससे तो पूछ सकता है, कह सकता है कि अरे फ्रेड चलो अब ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है, ये हो सकता है, ऐसे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन क्या बी हो सकता है, दे सॉ इट गोइंग स्ट्रेट, ये इट किसके लिए आया हुआ है, इट ऑब्वियसली ये सब जो प्रोनाउन है ना फ्रेंड, यदि आता है तब ऑब्वियसली आप उस पर क्वेश्चन रेज जरूर करिए कि ये इट आया हुआ है किसके लिए, ऑब्वियसली वो रास्ते के लिए, ठीक है, या वैली के लिए, किस लिए आया हुआ है इसको आपको आपको जो है ना सो फोकस करना है इस पर। ये बी एटलीस्ट तो नहीं हो सकता, बी हमारा स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, ओके। तब ये क्या है ना कि हम लोग फर्स्ट को यहाँ पर क्रॉस करेंगे,
अब क्या है कि S1 के बाद हम लोग A लगा सकते हैं, हम लोगों के पास ये तीन ऑप्शंस है। A के बाद क्या D हो सकता है? जॉर्ज जब वो बड़े से चट्टान पर बैठ जाता है, कॉन फ्रेड, तब जॉर्ज कहता है कि अरे ओ कम ऑन फ्रेंड, हाँ कम ऑन फ्रेड, अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तब क्या है, ए के बी के बाद डी आ रहा है कि नहीं देखते हैं। इट्स नो यूज़ सेड फ्रेड, ओके अब कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेड ने कहा आई कांट गो एनी फर्दर, और मैं चल नहीं सकता हूँ, आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। ऑब्वियसली ए के बाद डी हो सकता है, ठीक है, ए के बाद डी हो सकता है। लेकिन अब ध्यान में रखना है कि क्या डी के बाद बी हो सकता है, ओके। यहाँ पर बोलता है फ्रेड कि मैं पूरी तरह से थक गया हूँ और मैं एक जरा सा भी आगे नहीं चल सकता हूँ, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है और आगे बढ़ने की, ठीक है। अब क्या है, डी के बाद बी देखते हैं हो रहा है कि नहीं। दे सॉ इट गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, दे सॉ इट गोइंग स्ट्रेट अप द साइड ऑफ द वैली। फिर यहाँ इट आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है? ये जो है इट, यहाँ इसके पहले वाले सेंटेंस जो डी है हमारा, इसमें कहीं ऐसा कोई भी वर्ड या टर्म नहीं यूज़ हुआ है जिसके लिए वो इट यूज़ करे, ठीक है। इट ये क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन चैप्टर में ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि जब तक कि आप पहले नाउन का यूज़ नहीं कर लेते हैं तब तक आप प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है। लेकिन आप डी में देख रहे हैं, चूंकि बी के पहले डी को लेकर के चल रहे हैं, तो डी में कहीं इट के लिए आने वाला नाउन नहीं है, ठीक है। ये तो फ्रेड खुद के बारे में बोल रहा है, इस कारण से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डी के बाद बी नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको छांट सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टेक्निक है, प्लीज़ आप काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होकर के मेरे इस बात को जरूर ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं क्या कह रहा हूँ। और यही चीज़ आप बार बार प्रॉब्लम्स को लेकर के आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं सी डी ए बी पर फोकस करते हैं कि क्या सी S1 के बाद आ सकता है। हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, S1 के बाद क्या सी हो सकता है? S1 ऑब्वियसली क्या है कि फ्रेड जो है वो बड़े से चट्टान पर बैठ जाता है, क्योंकि वो अचानक से रुक जाता है। अब क्यों रुकता है, इसका यहाँ पर मान लीजिए सी हम लोग लेकर के चलते, यस बट इट्स अपहिल मोस्ट ऑफ द वे। यहाँ पर यस जो आया हुआ, ये जो टर्म आया हुआ, ऑब्वियसली जॉर्ज इसका जो दूसरा दोस्त है, ऑब्वियसली उससे कुछ पूछा होगा तभी तो ये जवाब दिया ना यस के रूप में, और यहाँ पर तो फ्रेड कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। इसलिए S1 के बाद आप सी नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड आप पहला ऑप्शन को छांटे, दूसरा ऑप्शन को छांटे, तीसरा भी ऑप्शन को छांट दिए। ऑब्वियसली बचा क्या आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन, ऑब्वियसली फोर्थ वाला ऑप्शन ही सही है। हम लोग क्या करते हैं, सारे सेंटेंसेस को जितने भी है, एक से लेकर के हम लोग छः तक का, काफ़ी कोहियरेंट तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चौथा ही पूरी तरह से एप्लीकेबल है, पूरी तरह से सही सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड पहला पढ़ते हैं कि द टू बॉयज़ वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द वैली, काफ़ी धीमी गति से वो वैली को पार किया कर रहा था ऑब्वियसली। देन सडनली फ्रेड स्टॉप, तब क्या है, फ्रेड अचानक से रुका और बैठ गया एक बड़े से स्टोन पर, ये तो ठीक है, थक गया इसलिए बैठ गया। अब क्या है, इसके बाद हम लोगों को डी लेना है। इट्स नो यूज सेड फ्रेड, अब बैठ करके ऑब्वियसली फ्रेड कह सकता है इस बात को कि अब नहीं, हो गया, अब आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं और आगे नहीं चल सकता हूँ, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, बोल सकता ऑब्वियसली, इसलिए S1 के बाद डी आ सकता है, ठीक है, डी आ सकता है। अब डी के बाद ए आ सकता है, देखते हैं हम लोग लॉजिकली। जॉर्ज लुक्ड एट हिम, जब ये बात कहता है तब जॉर्ज उसके तरफ एक मिनट देखता है और बोलता है ओ कम ऑन फ्रेड, फ्रेड चलो यार, उसने कहा इट्स नॉट वेरी फार नाउ, अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली
जॉर्ज इसके कहने पर ए कह सकता है, तब क्या हो गया, डी के बाद ऑब्वियसली ए का लॉजिकल लिंक यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है। इसके बाद फिर क्या सी, इसके अनुसार सी देखते हैं क्या हो रहा है। सी, यस बट इट्स अप हिल मोस्ट ऑफ द वे, बोलता है फ्रेड, बोलता है क्योंकि यहाँ जॉर्ज का बोलना हो गया, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, जॉर्ज के बाद फिर ए फ्रेड अब बोलेगा, तो फ्रेड यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। फ्रेड बोलता है ए, चूँकि ये बोलता है तो उसी के ही के ही जवाब में वह बोलता है यस, हाँ, किंतु कहता है ज़्यादा दूर नहीं है, इससे वो सहमत है, किंतु वो बोलता है किंतु अभी भी ये कह रहा है कि ये जो रास्ता है अभी भी चढ़ाव है, ठीक है, रास्ता के बारे में कह रहा है अभी भी ये चढ़ाव है। और यहाँ फ्रेड सेड पॉइंटिंग टू द पाथ इन फ्रंट ऑफ देम, ये पाथ जो है ना, पाथ के लिए ये ईट आया हुआ था, ठीक है। फ्रेड ये जो रास्ता है, रास्ता को दिखाते हुए, सामने के रास्ते को दिखाते हुए वो बोला, फ्रेड ने बोला, ठीक है। ऑब्वियसली ए के बाद सी के साथ लॉजिकल लिंक है, इसके बाद सी के बाद बी, ऑब्वियसली हम लोग एकदम लगा सकते हैं ये पाथ के लिए यहाँ पर ईट आया हुआ है, दे सॉ इट, मतलब दोनों अब देखता है, किसको देखता है, पाथ को देखता है, वो रास्ता को देखता है, रास्ता देखता है कि वो चढ़ाव ले रहा है, ठीक है। अब द साइड ऑफ द वैली, तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्वियसली चौथा हर तरीके से यहाँ पर लॉजिकली लिंक्ड है सारे सेंटेंसेस के साथ। ऑब्वियसली इस तरह से आपको फ्रेंड सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फ्रेंड जब तक कि आप सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड बल्क में नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे एक सेटिंग में आप बैठिए 10 प्रॉब्लम्स ले लीजिए, आप एसएससी सीजीएल में आप देखते हैं कि 10 से 15 प्रॉब्लम्स सेंटेंस अरेंजमेंट पर बेस्ड होता है। आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आप उठाइए, नहीं तो कोई भी प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको एक साथ इतने सारे सेंटेंस अरेंजमेंट जिसमें आपको मिलता है, तो उससे रिलेटेड आप एक सेटिंग में 1 से 10 या जितने भी सेट है, एक सेट सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड कर ले, और वहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह का मैं टेक्निक फॉलो किया इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लीज़ आपको उसी तरह से सॉल्व करते चले जाना है। आप देखिएगा 100% सटीकता से आप सही ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे, ओके। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड एक फिल इन द ब्लैंक है, इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या नहीं है। फ्रेंड यह एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, इट इज़ हाई टाइम यू डैश योर चाइल्ड डैश टू अ गुड स्कूल, ओके। फ्रेंड आपको एक बात याद रखना है कि जब कभी भी आप सेंटेंस में देखते हैं शुरुआत होते हुए इट इज़ हाई टाइम, तब इसके बाद वाला जो क्लॉज है, क्लॉज कहाँ से, यू से स्टार्ट होता है, ओके, और यहाँ तक जाता है, तो ये जो बाद वाला जो क्लॉज है, इस क्लॉज में जो वर्ब यूज़ करेंगे वह हर हालत में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, ठीक है। ये फिक्स्ड है, यह एक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम है, इट इज़ हाई टाइम के बाद आपके क्लॉज में वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ये कहाँ है, किस में है, ऑब्वियसली ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, गलत हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं गॉट, ऑब्वियसली यही होगा, ओके। और दूसरी क्या बात है कि ये V2 फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी ये क्या होगा, योर चाइल्ड, इट इज़ हाई टाइम यू गॉट योर चाइल्ड एडमिटेड टू अ गुड स्कूल। फ्रेंड ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, बाद वाला जो क्लॉज है किस तरह का स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, इसके बाद गेट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद अदर वर्ड्स हैं। ये यहाँ पर जो गेट का यूज़ हुआ है ये कॉजेटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। गेट के बदले में हम लोग हैज़ या हैव का भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। ये सिंगुलर है तो इसमें एस लगाएंगे, ये सिंगुलर है तो इसमें हैज लगाएंगे, ये प्लुरल है तो हैव लगाएंगे, ये प्लुरल है तो इसमें हम लोग प्लुरल वर्ब लगाएंगे गेट। पास्ट टेंस है तो ऑब्वियसली गॉट लगाएंगे, और पास्ट टेंस है तो इसमें हम लोग हैड लगा करके चलेंगे।
और इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में एक्टिव पैसिव से रिलेटेड भी पूछता है और इस तरह का जैसा प्रॉब्लम आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दे कि जब आप इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं कि मैंने चिट्ठी लिखवाया, मैं चिट्ठी लिखा, ऑब्वियसली क्या होगा, आई आई रोट अ लेटर। ठीक है, मैंने चिट्ठी लिखा, तब आप इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे। लेकिन मैंने चिट्ठी लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा, कोई दूसरा उसका कारण बना चिट्ठी लिखने का, तब ऐसे सेंटेंसेस को ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, आई गॉट, नहीं तो फिर हैड, पास्ट टेंस में इस कारण से इस तरह से लगाएंगे, गॉट नहीं तो हैड लगाएंगे, आई हैड या गॉट अ लेटर। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप लगाइए आई गॉट अ लेटर। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है तो रिटन लगाइए, आई गॉट अ लेटर रिटन, मैंने चिट्ठी लिखवाया, हो गया। अदर वर्ड्स हमने नहीं दिया, अगर देते तो फिर इसके बाद इसका यूज़ कर देते हम लोग, नहीं तो आप कहिए आई हैड अ लेटर रिटन, नहीं तो आई गॉट अ लेटर रिटन, मैंने चिट्ठी लिखवाया। और यहाँ पर क्या है कि यही समय है जब आप अपने बच्चे को इस एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएं, करवाए। ठीक है, तो करना खुद नहीं करना है, उसको करवाना है। तो ऐसे स्थिति में ये जो गेट का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, बेस फॉर्म ये पास्ट टेंस है यहाँ पर, इसके कारण से, इट इज़ हाई टाइम के कारण से, तो इस कारण से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है एडमिटेड के लिए। और आशा करते हैं कि फ्रेंड आप इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में एनालिसिस इस क्वेश्चन पर आधारित कर लिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वह है वर्ड पर बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर जो मास्टर्स वर्ड दिया गया है वह है अगस्त, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड, सबसे पहले जान ले कि अगस्त का मतलब क्या होता है। फ्रेंड अगस्त के दो अर्थ होते हैं, एक तो अगस्त जो है वो क्या है, एक महीना का नाम है, अगस्त हिंदी में इसको कहते हैं। ओके वो एक महीना है, वो नाउन के रूप में एक महीने का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। और दूसरा जो इसका मीनिंग है अगस्त का, वो एडजेक्टिव के रूप में है और इसका मतलब होता है ऑब्वियसली मैजेस्टिक, शानदार। ठीक है, इसका मतलब शानदार होता है, फुल ऑफ लग्जरी। ओके, ठाट बाट वाला, तो अगस्त का मतलब वही होता है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं कि अन्य ऑप्शंस पर भी फोकस कर लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगस्त का क्या मीनिंग निकलेगा, मैजेस्टिक निकलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टोन वाला वर्ड है तो ऑब्वियसली ये भी मैजेस्टिक भी पॉजिटिव टोन वाला वर्ड है। माइजरली तो नेगेटिव टोन वाला वर्ड है, माइजरली मतलब होता है महाकंजूस, इसको हम लोग अंग्रेजी में मीन कह सकते हैं। ओके, घटिया भी कहेंगे, मीन कहेंगे, माइजरली कहेंगे। ओके, और जो होस्टाइल है, होस्टाइल ऑब्वियसली फ्रेंडली का उल्टा है, मतलब नॉट फ्रेंडली। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, जिसमें दोस्ती की भावना ना हो। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होस्टाइल रिलेशनशिप है। ओके, तो ये यहाँ पर सेंस दे रहा है, जो इससे मेल नहीं खा रहा है, मास्टर वर्ड से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए थर्ड वन नहीं होगा। और सेटिस्फाइड, हालांकि ये पॉजिटिव टोन देने वाला ये वर्ड है, लेकिन इसका ये मीनिंग ही नहीं है। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है, ग्रेटिफाइड। ठीक है, ग्रेटिफाइड ये इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ओके, अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। है ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड इसको करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम को 100% कन्फर्मेशन के साथ सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू फोकस ऑन दी वर्ब यूज्ड इन द रिपोर्टिंग स्पीच। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और विल से क्या है, फ्यूचर टेंस में है। और फ्रेंड यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वह फ्यूचर टेंस में होता है, तब क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है
या जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसके टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आंख बंद करके मत मार दीजिएगा कि इसको आप पर ध्यान ही ना दे, बस इधर देखे कि ये पास्ट टेंस है तो इसका हम वॉज जो हैड बीन में कन्वर्ट होता और हैड बीन वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको आप मार दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, विल से है रिपोर्टिंग वर्ब, ये फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर कोई प्रनाउन ऐसा नहीं यूज हुआ है जो चेंज हो जाए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, दी असिस्टेंट भी है वो भी थर्ड पर्सन में ही है। तब सीधा सीधी इसमें हम लोग दैट लगा करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? दी असिस्टेंट विल से, टेल भी नहीं कह सकते हैं, टेल कहेंगे तो वो मांग करेगा एक ऑब्जेक्ट का, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, तब यहाँ देखते हैं, द असिस्टेंट विल से दैट अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ वॉज टू इन एडिक्वेट टू मैनेज अ डिसेंट लाइफ। सिर्फ और सिर्फ आपको दैट लगा देना है और जो भी ऑप्शन इस यह कह रहा है वही हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। दी असिस्टेंट सेड कह दिया, जबकि ये फ्यूचर टेंस में इसलिए गलत हो गया। द असिस्टेंट विल से यहाँ तक तो ये सही है, दैट सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ हैड बिन, देखिएगा वॉज को यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया हैड बिन में, जबकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, एकदम नहीं चेंज होनी चाहिए थी, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड ऑब्वियसली ये सही है, विल से लगा हुआ है, इसके बाद सिर्फ दैट लगा करके जस का तस सब चीज़ों को रख दिया गया है। अब ये क्या क्या है कि देखिएगा, फ्यूचर जो यहाँ पर जो टेंस दिख रहा है उसको भी यहाँ पर बदल दिया गया है, वुड कर दिया गया, विल के जगह पर वुड कर दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड कितना आसान है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्लीज़ एक एक चीज़ को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनते चले जाए, सब कुछ आसान नज़र आएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकेंगे इस तरह से। ठीक है, हम लोग 47th प्रॉब्लम को देखते हैं, ये क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच को फाइंड आउट करना है, इसमें वही करना है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तब ऑब्वियसली इधर का जो पोर्शन है, इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में भी बदलाव आ जाएगा, बशर्ते कि जो रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड क्लॉज है वह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन ना हो। ठीक है, और ये कोई प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन या हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, हाउ मच इंक्रीमेंट कैन वी एक्सपेक्ट दिस ईयर, नथिंग इज लाइक दैट, तब ऑब्वियसली इसके टेंस में चेंजेस आ जाएगा। और यहाँ पर सेड टू है, ठीक है, सेड टू है, ये कन्वर्ट होगा किस में, ये सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव है ना, क्या इंट्रोगेशन मार्क आया हुआ है, इसलिए सेट टू जो है वो आस्ट में कन्वर्ट होगा, इस कारण से सभी में देखिएगा आस्ट द मैनेजर दिया हुआ, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाया है, तो यहाँ तक तो सही है, शी आस्क्ड द मैनेजर, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में कुछ भी चीज़ नहीं दिया जाता है, दैट नहीं दिया जाता है, ओके ये भी याद रखना, और दैट किसी में आया भी नहीं है, तो ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मच इंक्रीमेंट कैन वी एक्सपेक्ट दिस ईयर, फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करते हैं तब जो डायरेक्ट स्पीच का जो नेचर होता है, जैसे इंट्रोगेटिव नेचर का है ना, तो यह असर्टिव नेचर का हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब को यूज करेंगे, देखिएगा ये सब्जेक्ट है ना वी, और इसके पहले कैन आया है, इस कारण से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये जो कैन है सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतना एनालिसिस करने के बाद, शी आस्क्ड द मैनेजर हाउ मच इंक्रीमेंट कुड दे, देखिएगा सब्जेक्ट के पहले ही अभी तक वर्ब लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, शी आस्क्ड द मैनेजर हाउ मच इंक्रीमेंट कैन, इसमें देखिएगा कि टेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा देखिएगा, शी आस्क्ड द मैनेजर हाउ मच इंक्रीमेंट कुड दे, देखिए इसमें भी वही केस है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को लगा दिया गया, लेकिन इसमें देखिएगा जो सही ऑप्शन है, इसमें हर चीज़ आप देखेंगे कि सही है, हाउ मच इंक्रीमेंट दे, कुड सब्जेक्ट के बाद आप कुड देख पा रहे हैं, इस कारण से ये सही हुआ। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड हम लोग 47 प्रॉब्लम्स को हल किए इस सेशन में, हम लोग आने वाले सेशन में और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे,
ताकि आप कम से कम 100 क्वेश्चंस का आप सेट लेकर के चलेंगे और 100 क्वेश्चंस का आप डिटेल में एनालिसिस इस तरह से आप सुनते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं, तब आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो ऑब्वियसली काफ़ी आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करिएगा और आप आसानी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।